श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के तीन कारण बताए थे। मनुष्य की बर्बादी के ये कारण आज भी उतने ही सटीक हैं। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन तीन कारणों पर विशेष बल दिया है। भागवत गीता के बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये तीन कारण आज हर मनुष्य को जान लेना चाहिए। यह कोई मैं नहीं बता रही, बल्कि गीता में ऐसा वर्णन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के ये तीन कारण कौन कौन से हैं? यदि नहीं तो आगे हम इसे एक कहानी के आधार पर जानते हैं। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही ठाट से दूर गुरुकुल में भेज दिया गया था। गुरुकुल में यह बालक सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और भाई बहन प्राकृतिक आपदा में मारे गए। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस बालक ने प्रण ले लिया कि उसका सारा का सारा जीवन लोगों की भलाई में ही बीतेगा। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं त्याग दी। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर हिमालय की जंगलों में चला गया। धीरे धीरे उस सन्यासी की चर्चा सभी जगहों पर होने लगी। उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। राजा ने सन्यासी से भेंट करने की ठानी, जिसके बाद राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हो गया था कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना कुछ बदल सकता है तो यदि ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। इसके बाद राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने का आग्रह करने लगा। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा उन्हें साथ लेकर महल में चले गए। वहां राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी अपने पड़ोस के राज्य में चले गए। साथ ही एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए छोड़ गए। लेकिन सेवादार बीमार पड़ गया और अगले ही दिन से वो आया ही नहीं। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापिस आए तो सन्यासी ने राजा को बहुत डांटा। राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों बाद राजा को राज्य से फिर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बार राजा ने रानी को आदेश दे दिया कि जब तक वह आते नहीं तब तक सन्यासी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद रानी हर रोज भोजन पकाकर सन्यासी को भेज देती। अगले दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि भोजन क्यों नहीं आया और वह खुद ही महल में जाकर देखने लगा। सन्यासी की नज़र रानी पर पड़ी। उसने रानी के अद्भुत रूप को देखकर चकित हो गया। सन्यासी रानी की सुंदरता को भूल नहीं सका और उसने खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में ही पड़ा रहा। राजा जब वापिस लौटे तो उसे सन्यासी के हाल का पता लगा। राजा ने जब सन्यासी से ये सब पूछा तो उसने कहा कि मैं रानी की अद्भुत सुंदरता का कायल हो गया हूँ। इस पर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप मेरे महल में चलिए, मैं रानी आपको दे दूंगा। कुछ दिनों के बाद रानी ने उस सन्यासी से कहा कि आप क्या थे और क्या हो गए, आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगा और रानी से कहा,
मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी का यही सार है कि जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।